गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो है जिसके अंदर अपन सीधा टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं। कल अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उसके कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज अपन उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी और जिसमें कम से कम चार प्रजातियाँ थी। मोहनजोदड़ो जो था वो एक मिश्रित प्रजाति थी। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो एक मिश्रित प्रजाति थी, एक मिश्रित प्रजाति थी। जो मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी उसके अंदर क्या था कि मिश्रित प्रजाति के लोग थे और उसमें कम से कम चार प्रजातियां थी। कम से कम इसमें कम से कम कम से कम चार प्रजातियां थी। इसमें कम से कम चार प्रजातियां थी। कौन सी थी? नंबर वन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर वन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, नंबर वन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। दूसरी थी भूमध्य सागरीय लोग थे, भूमध्य सागरीय लोग थे। और कौन से थे? अल्पाइन और मंगोलॉइड। तीसरे थे अल्पाइन और चौथे थे मंगोलॉइड। चौथे थे अपने मंगोलॉइड। यस और नहीं? अच्छा, जो ये मोहनजोदड़ो एक मिश्रित प्रजाति थी, इसमें कम से कम चार प्रजाति थी। कुछ लोग जो है इसके अंदर कहते थे कि प्रोटोस्टेलाइड है, भूमध्य सागरीय है। अब इसके अंदर क्या है कि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं, कुछ विद्वान क्या मानते हैं, तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। एक तरफ आप लिख लो विद्वान और दूसरी तरफ लिख लो सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन किसको क्या कहता है, ठीक है ना? सबसे पहले आते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। राम लक्ष्मण ऐसे याद रखना, साथ याद रह जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप अगर लक्ष्मण जी आ गए तो राम जी का तो आना बनता ही है, और रामचंद्र तो इनके साथ में कौन है? और रामचंद्र, राम और लक्ष्मण जब साथ हैं तो वो क्या होंगे? आर्य से थे ये, एक आर्य प्रजाति के लोग थे, यानी श्रेष्ठ कुल किसको माना गया? आर्य को माना गया है। तो लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र इन्होंने क्या कहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? आर्य थे। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, रामचंद्र क्या है, एक श्रेष्ठ प्रजाति से थे, राजा थे, तो और वो क्या कहलाए? उन्होंने आर्य कहा। उन्होंने कहा कि जो सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं वो एक आर्य थे। फिर गार्डन चाइल्ड, दूसरे आते हैं गार्ड चाइल्ड जो घास, ऐसे याद रखना घास से क्या रहेगा? से सुमेरियन, ऐसे याद रखना घास, तो क्या हो जाएगा? गा से गार्डन चाइल्ड, स से सुमेरियन सभ्यता, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूँ। उसके बाद में एक और है राखल दास बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि द्रविड़ हैं। राखल दास बनर्जी, इसके अंदर द है, इसका मतलब ये इन्होंने कहा है कि द्रविड़। राखल दास बनर्जी ने कहा है कि जो सिंधु सभ्यता के निर्माता है वो एक द्रविड़ कहलाए, है ना? और उसके बाद में एक है व्हीलर महोदय ने क्या कहा है? व्हीलर महोदय ने कहा है कि दास और दस्यु बताया है इनको। क्या बताया है? दास और
दस्यु। जो व्हीलर महोदय है उन्होंने कहा है कि ये सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हैं वो दास और दस्यु है। अब आप एक बार इनको ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विद्वान और इनके निर्माता निर्धारित तिथि के बारे में। कुछ विद्वान हैं और निर्धारित तिथि इसके बारे में अभी बात करेंगे। कौन से विद्वान क्या कहते हैं और इसका कालक्रम क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले है जो जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल, ये मैंने कल भी बताया था आपको, 3250 से 2750, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, है ना। जो जॉन मार्शल है, इसका कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम बताइए, तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व। उसके बाद में आता है अर्नेस्ट मैके। कौन आता है? मैके, अर्नेस्ट मैके। जो अर्नेस्ट मैके महोदय आते हैं वो कहते हैं कि 2800 से 2500 ईस्वी के बीच बताते हैं। वो क्या बताते हैं? 2800 से 2500 ईस्वी के बीच में बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम 2800 से 2500 ईस्वी के बीच है। उसके बाद में आता है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप जो वत्स आते हैं वो कहते हैं कि 3500 से 2750 के बीच, 3500 से 2750 माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि 3500 से 2700 ही बताया है इन्होंने, मैंने गलत लिख दिया है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है 3500 से 2700 ईस्वी ही इन्होंने बताया है। माधव स्वरूप वत्स ने कहा है कि 3500 से जो 2700 ईस्वी का जो कालक्रम है ये सिंधु सभ्यता का कालक्रम है। फिर आते हैं सी जे गेड जो कहते हैं, वो कहते हैं 2350 से 1750, 2350 से 1750 ईस्वी के बीच का जो समय है वो सिंधु गाड़ी सभ्यता से रिलेटेड बताया इन्होंने। उसके बाद में आता है कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 मैंने कल भी बताया था आप, 2500 से 1750, 2500 से 1750 ईस्वी जो है कार्बन 14 ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है और जॉन मार्शल का पूछा जाता है। उसके बाद में आता है मार्टिन जो व्हीलर है इन्होंने बताया 2500 से 1500 ईस्वी, 2500 से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। फिर एक और है फेयर सर्विस कहते हैं 2000 से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम में, आप लिखो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया होगा, अभी आगे बढ़ते फटाफट। अब बात करेंगे अपन कहाँ से क्या आयात होता था और क्या निर्यात होता था, आयात की जाने वाली वस्तुएं और उनका किस जगह से वो आयात किया जाता था। आयात की जाने वाली वस्तुएं, और दूसरा स्थल, कहाँ से क्या मंगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के अंदर सबसे पहले जो है टीन का जो आयात होता था, किसका आयात? टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान से, मध्य एशिया, अफगानिस्तान,
कहाँ से किया जाता था? ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से टीन का आयात किया जाता था। जो तांबा है, तांबा, आप जैसे ही नाम सुना तांबा, खेतड़ी झुंझुनू का नाम याद आ गया। खेतड़ी राजस्थान के अंदर है, तो यहाँ से भी आयात किया जाता था। खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से भी ये आयात किया जाता था। बलूचिस्तान, और चांदी, नेक्स्ट धातु है चांदी। चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चांदी का ईरान और अफगानिस्तान नेक्स्ट सोना, सोना कहाँ से मंगाया जाता था? सोना जो है सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से। अफगानिस्तान, भारत और फारस, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत, जो अपना दक्षिणी भारत है वहाँ से ज़्यादा सोना आयात किया जाता था। दक्षिणी भारत से सोने का आयात ज़्यादा किया जाता था। उसके बाद में एक लाजवर्द, जो ये लाजवर्द है, बदखशां अफगानिस्तान से और मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया। यहाँ से मंगवाया जाता था। फिरोजा, फिरोजा भी एक धातु है, जो कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से, ईरान से फिरोजा धातु को आयात किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय के अंदर। सीसा, शीशे का आयात सबसे पहले ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत। ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत से ये शीशा ज़्यादा मंगवाया जाता था। इसके अंदर राजस्थान का भी है, तो ये आपको याद रखना बनता है। और ये तांबे का भी अक्सर पूछा जाता है। शिलाजीत, शिलाजीत जो है हिमालय क्षेत्र से मिलता था, ये हिमालय क्षेत्र से। नील रत्न, नील रत्न कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान, बदखशां से, बदखशां अफगानिस्तान। ठीक है, शंख और कोड़िया सौराष्ट्र गुजरात से, शंख व कोड़िया, शंख व कोड़िया सौराष्ट्र गुजरात से। शंख जो कोड़ियाँ हैं वो कहाँ से मंगाते थे? सौराष्ट्र गुजरात से और हरितमणि। हरितमणि कहाँ से मंगाते थे? दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत से। चलो बाकी का अपन बाद में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।